Cause we get scared when it got darker at night. Cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had as children while the rain is pouring down. So, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे व्यूअर्स जहाँ कहीं भी हैं, खुश रहें और आबाद रहें। सो वेल गाइज, आज हम लोग निकल पड़े हैं यम्बो के सफर के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ईद के थर्ड डे जाने वाले हैं यम्बो। सो यस, आज है ईद का थर्ड डे एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स यम्बो। और आपके साथ बहुत प्यारी प्यारी प्लेसेस हम लोग जो है शेयर करेंगे, सारी विजिटिंग प्लेसेस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम यही कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग वीडियोस कैप्चर करें और आप लोगों के साथ शेयर करें यम्बो का सारा सीन, जैसा वहाँ पे विजिटिंग प्लेसेस हैं। क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रही हूँ। आई थिंक उबैद आप भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अभी? हाँ, ये भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो यस, हम लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि हम लोग ज्यादा सारा यम्बो के सारे एरिया फिर लें आज और कल में। सो यस, आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी सीन मिस ना कीजिएगा। बहुत प्यारी होने वाली वीडियो। और थैंक यू सो मच माई ऑल व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब मुझे बहुत सपोर्ट। ये वाइजा कह रही है कि वहाँ पे बीच भी होगा, इसको हमने बताया है कि वहाँ पे बीच भी है, तो वो बहुत एक्साइटेड होती है बीच के लिए। तो यस, मैं आप लोगों से कह रही थी कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, अभी तक करते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम लोग ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार हमारे वीडियोस पे शो करते रहिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही तीन चार वीडियो से पहले बता दिया कि मेरे हबी ने भी अपना न्यू चैनल स्टार्ट कर लिया, तो इनको भी आप लोगों ने जरूर सपोर्ट करना है। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज आगे भी लेके आते रहा करेंगे। और जैसा कि मेरी ये ईद वगैरह इन चीजों इन हॉलीडेज से हटके ज्यादातर रूटीन मेरी घर की होती है, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह घर की ज्यादा से ज्यादा रूटीन शेयर किया करूंगी, फुल डे रूटीन। और वैद आपके साथ बाहर जो एक्टिविटीज करते हैं ये आपके साथ वो भी शेयर किया करेंगे। और यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अबैद की दुनिया। यस, तो यस वाकई वो बैठ की दुनिया है और इतने सारे जो लोग हैं उसके अंदर वो सारी इनकी दुनिया है। सो यस व्यूअर्स, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी जब जब बाहर जाया करूंगी, कोशिश करती रहा करूंगी डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स को एक्सप्लोर करूँ आप लोगों के साथ और डिफरेंट एक्टिविटीज एक्सप्लोर किया करूँ, आपके साथ शेयर किया करूँ। सो आप लोग हम दोनों के चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स आवर जर्नी एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, एंड बिफोर गोइंग डू सब्सक्राइब आवर चैनल and don't forget to hit the like button at the end of the video. और आप लोग अपने कमेंट्स भी हमारे साथ जरूर शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में बताया करें आप लोग हमारी वीडियोस कैसी लगी हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने सफर की तरफ चलते हैं। So I would like to mention that my channel is not only for vlogs, this is also for recreational activities for all the Islamic point of views and all other related activities. I will show you much more at my channel. So do subscribe and be my permanent viewers. Yeah, inshallah, inshallah, मेरे viewers भी आप लोगों को आपको बहुत support करेंगे। और जो जो यहाँ पे चुपके चुपके बैठ के viewers होंगे ना, वो मेरे channel को भी subscribe कर लीजिए। हम दोनों के कीजिए, ठीक है ना? चलें चलें, अब अपने सफर को start करते हैं हम लोग।
So yeah, viewers, after a long travel we reached to Yambo. Alhamdulillah. और यहाँ पे मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये साइड में आप देख सकते हैं ये गैस के अभी क्या है गैस के प्लांट्स. तो यस, ये हैं गैस के प्लांट्स. आते ही इनका स्टार्ट यम्बो का होता है इंडस्ट्रियल सिटी से. ये आप देख सकते हैं सारा इंडस्ट्रियल सिटी है. तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया सारा खत्म हो गया, ये यम्बो सिटी स्टार्ट हो गया है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है. ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है यहाँ. एक्चुअली जद्दा में ग्रीनरी बहुत कम है, ना होने के बराबर है. सो यार, हम लोग आ गए हैं यम्बो सिटी के अंदर, एंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और अभी आप किधर जाएंगे? अभी हम जाएंगे यम्बो लेक. यम्बो लेक, अच्छा वो ठंडा हो एरिया होगा फिर इसका मतलब? नहीं, उधर तो जब पानी है लेक है तो ठंडा नहीं होगा. मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ आइस वगैरह रखी हुई है. ये देखे जरा बच्चे भी उठ गए मेरे. ये मेरी शहजादी उठी है, मेरी जान. बेटा पहुँच गए हैं यम्बो. अब हम लोग जा रहे हैं लेक पर. वहाँ पे वाटर है. मेरी बेटी को पानी से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, इसीलिए बार बार हर वीडियो में कहती है बीच बीच बीच. उमा लव बीच सो मच. उमा यस वी आर गोइंग टू बीच. वाओ, कितनी प्यारी सनलाइट आ रही है मेरी वीडियो में. वाओ, इसने मेरी वीडियो का व्यू दोबारा कर दिया, इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है. हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन पर, जहाँ पे पहली विजिटिंग प्लेस है. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है लेक, यम्बो लेक. और इसके साथ ये गार्डन भी है, पार्क. तो आपको दिखाती हूँ सारा. मैं बैक कैम करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ. मेरे इस साइड पे है ये लेक, ये इस साइड पे. ये देखें, छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, मुझे लगा बड़ी वाली होगी. और पीछे आप देख सकते हैं कि ये पूरा गार्डन बना हुआ है, पार्क. बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, प्ले कर रहे हैं सब. और ये देखें, सारा आपको मैं विजिट कराती हूँ. सही है, ये देखें लेक. माशाल्लाह बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आके. मुआइजा भाग गई है अपनी राइड्स लेने. आजो आजो मेरा बेटा, आजो 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 रोहान, आजो. अब यहाँ से मुआइजा वैसे आएगी जैसे ये मशीन से कैंडी निकालती है ना, जो कैंडी आती है ना इसकी, वैसे आएगी. ये देखिएगा जरा, ये कैंडी आ गई पाए. मेरे ट्विन्स बच्चे. तो ये मेरा बेटा जो है ना, ये उल्टा आता है. वाह, ये तो जोकर ही है मेरा बेटा. तो ये बना हुआ है एक छोटा सा ब्रिज और इसके आसपास लेक है दोनों साइड्स पे. ये देखें, और ये है खजूर का दरख्त. देखें छोटा सा ब्रिज है, एंड दिस इज द स्मॉल लेक. ये देखिए कितना प्यारा व्यू है इधर, मैं आपको दिखाती हूँ. लुक एट दिस, इट्स द फाउंटेन. सो या, अच्छा है ये, मतलब ये लेक अच्छी लगी है मुझे. इसके पार्ट्स में बनाया हुआ, एक साथ इकट्ठी लेक नहीं है. एक हाफ थोड़ा सा उधर बना हुआ है, थोड़ा सा इधर बना हुआ है, थोड़ा उस साइड पे बना हुआ है. ये देखें, माशाल्लाह. Beautiful face. Yeah, viewers, आज के इस प्यारे से व्लॉग को इस
प्यारी सी खूबसूरत सी जगह के पास हम लोग एंड करते हैं और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट आने वाले यम्बो ब्लॉग के साथ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए तब तक और हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं आपसे ये प्यारे प्यारे ब्लॉग मिस ना हो जाए। सो ओके व्यूअर्स, नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।